पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष के बयान पर सीपीआईएम और कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दिलीप घोष ने कल कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जादवपुर यूनिवर्सिटी की छात्राओं पर विवादित बयान दिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की लड़कियां स्तरहीन और बेशर्म है। पिछले हफ्ते एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच एक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई थी। झड़प के दौरान यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। दिलीप घोष ने इन्हीं आरोपों पर जवाब दिया है जब उनसे सवाल पूछा गया था। আর যারা পেটাতে গেছে তারা মলেস্টেশনের আবার কেস দিচ্ছে, আবার দাবি করছে, বিচিত্র ব্যাপার। যাদের এত মান সম্মানের ভয় আছে সেই মেয়েগুলো যায় কেন ওখানে? কিন্তু তো বেহায়াপন। আর এই ধরনের অভিযোগ করাটা খুবই অংশা নিম্নস্তরের অভিযোগ। এটা সেই মেয়েগুলি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় যারা নিজে ইচ্ছা করে কারো গায়ে পড়ছে, অন্যকে দোষ দিচ্ছে গিয়ে। খুব বেহায়া মেয়েগুলো। আমার তো খুব খারাপ লেগেছে যে এই একটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হয়ে এই ধরনের নিজের প্রতি অশালীন একটা অভিযোগ আনছে। এটা তো খুব লজ্জার বিষয়। ইউনিভার্সিটির মান কোথায় পৌঁছেছে? ছাত্রছাত্রীদের কথাবার্তা ব্যবহার কোথায় পৌঁছে গেছে? যদি গণতন্ত্র হয়, যদি রাজনীতি বোঝে, তো রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করো, গণতান্ত্রিকভাবে মোকাবিলা করো। এই ধরনের নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে রাজনীতিকে, দিয়ে সিম্পাথি নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। दिलीप घोष के बयान को सीपीआईएम ने एंटी वुमेन सोच करार दिया है, वहीं कांग्रेस इसे टेरर ऑफ लैंग्वेज बता रही है। वो औरत पर उसका दृष्टिकोण ही है, उसको नीचे दृष्टिकोण से देखना। और ये जो पूरे दुनिया में एक नया उभार आ रहा है इक्वल राइट्स का, जो सही है, इसमें वो बहुत पीड़ित है। कभी कभी दुनिया का दबाव से उसको बोलना पड़ता है हाँ हाँ करना चाहिए, मगर उसकी जो माइंड सेट है वो है एंटी वुमेन, एंड वो है वुमेन को नीचे दिखाने वाला। कोई भी बोलता है छोटे कपड़ा पहनती है इसलिए बलात्कार होती है, इस तरह उसका एक्सप्लेनेशन ही है। जब भी महिला के बारे में कुछ सवाल उठता है ऐसे डेरोगेटरी ओपिनियन वो देता रहता है। एक तरफ तुम भारत माता की जय की रूख अपनाते हो, दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान की नारी जाति को तुम कहते हो कि ये बेशर्मी है। जहां रेड लाइट सिटी की जो भाषा, वो रेड लाइट सिटी की भाषा को तुम इस्तेमाल करते हो, ये लैंग्वेज टेरर। आरएसएस के नेता बंगाल में अपना रहे हैं टेरर ऑफ लैंग्वेज।